ट्रैफिक पुलिस जे एंड के हेडक्वार्टर की तरफ से जो बाकी सिक्योरिटी एजेंसीज के समन्वय तालमेल के साथ एक टाइमिंग निकाला गया है। जैसे आपको पता है यात्रा तो अर्ली मॉर्निंग चलती है, इसके अलावा जो नॉन कॉन्वे व्हीकल हैं चाहे वो टूरिस्ट है चाहे यात्रा है उनको नगरोटा का मुकाम 12 बजे तक क्रॉस करना है, उसके बाद जिखैनी उदयपुर 1 बजे तक, उसके बाद चंद्रकोट 2 बजे तक और बनिहाल 3 बजे तक। जबकि आपको पता है कि यात्रा के दौरान हाईवे 1 भी चल रहा है, तो चूंकि यात्रा के साथ साथ पैसेंजर गाड़ियाँ हैवी व्हीकल को चलाना पड़ता है, ये कट ऑफ टाइमिंग इसलिए रखा गया है सिक्योरिटी कंसर्न्स और हर गाड़ी को हाईवे पे चलने का मौका मिले उसके लिए कट ऑफ रखा गया है, ताकि पहले कॉन्वे निकल जाए, फिर ये जो जैसे मैंने बोला नॉन कॉन्वे टूरिस्ट ये निकल जाए, उसके बाद हैवी मोटर व्हीकल चले। इसके लिए हम थैंकफुल हैं डिस्ट्रिक्ट पुलिस उधमपुर के और डिस्ट्रिक्ट पुलिस रामबन के, और हर मुकाम पर चाहे वो टनल के तरफ हो टनल के उस पार हो हमें पुलिस का पूरा तालमेल है, उसके साथ जो पैरामिलिट्री फोर्स का तालमेल है जिनके पूरे तालमेल के साथ इन कट ऑफ टाइम को लागू किया जा रहा है। और मैं आपके माध्यम से ये भी बताता चलूँ कि यहाँ पर भी कट ऑफ टाइम है, पूरी कोशिश की गई है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जे एंड के गवर्नमेंट की तरफ से कि वहाँ पर उनको रहने खाने और फ्रेश होने की बच्चों के बैठने की व्यवस्था हो। कोई ऐसे स्थान नहीं है जहाँ पर आपको कट ऑफ टाइम की जगह पर आपको खाने पीने की व्यवस्था ना हो, क्योंकि ऐसे यात्रा का समय है और पूरे देश भर से श्रद्धालु भोले बाबा के दर्शन करने को आते हैं। एक चीज़ मैं आपके माध्यम से लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा, चाहे गाड़ी बड़ी है चाहे छोटी है, पर्सनल है प्राइवेट है, हमारा हाईवे NH44 जो तकरीबन उधमपुर से लेकर बनिहाल तक 130 किलोमीटर के करीब करीब है, इसमें तेज़ चढ़ाई तेज उतराई कहीं तेज़ घुमाव भी है और किन जगह रोड की विड्थ का इशू है। आपके माध्यम से मेरे जो स्टेट के ड्राइवर्स हैं वो जो स्टेट के बाहर के ड्राइवर हैं उनसे एक मोतमाना गुजारिश रहेगी कि गाड़ी चढ़ाई उतराई में ब्रेक के साथ साथ गियर का पक्का इस्तेमाल करें, लाइट मोटर भी लाइट गियर में गाड़ी को चढ़ाएं और उतराएं ना, इससे ब्रेक ज़्यादा गर्म होकर कई बार ब्रेक कम हो जाता है और हादसे का खतरा बढ़ सकता है, लोग कैनलीस का पालन करें। मैं आपके माध्यम से जैसे मैंने बोला कि कट ऑफ टाइमिंग का मेन उद्देश्य है सेफ्टी के साथ और बगैर किसी आप इसको बोले परेशानी के साथ यात्रा कवर हो। मैं दोबारा सबसे अपील करूँगा, जैसे आज बारिश है, एक एडवाइजरी भी था कि 5-7 को बारिश हो सकता है, चाहे वो वीकेंड पे लोग सनासर आ रहे हैं, चाहे पत्नीटॉप आ रहे हैं, चाहे कश्मीर जा रहे हैं, वो हमारा THQ का एडवाइजरी पढ़ के निकले, क्योंकि हम ट्विटर पर भी हैं, आप हम घंटे घंटे में अपडेट करते हैं, इससे ना आपको हाईवे पर चलने में कोई परेशानी होगी और ना आपके वजह से जो दूसरा व्यक्ति आ रहा है उसको परेशानी होगी। आप इन कट ऑफ टाइमिंग का पालन करेंगे तो ये सबके लिए ठीक रहेगा और आपकी यात्रा सुखद और मंगलमय होगी।